हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने अगले वीडियो में बता दिया था, छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि मैं जा रहा हूँ काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर से जनकपुर, यानी भगवान राम की जो पत्नी थी उनकी जन्मस्थली, सीता माता की जन्मस्थली है जनकपुर, यहाँ पे घूमने के आया हूँ। और पशुपतिनाथ से 225 किलोमीटर है जनकपुर, तो मुझे 10 से 11 घंटे लग गए थे वहाँ से आने में। तो काफ़ी अच्छा था, नाइट में ही चले थे और पूरा नाइट चल के सुबह सुबह आ गए हैं और अभी स्नान किया है। ये हमारे सामने सरोवर है और इसका तो नाम नहीं पता है, इसके आगे जो सरोवर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वहाँ पे, लेकिन थोड़ा दूरी पे है, उसका नाम है गंगा सागर। तो यहाँ पे स्नान अभी कर लिया और बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और अभी सामने मंदिर है, राम भगवान का मंदिर है, तो सबसे पहले चलेंगे राम भगवान के मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर उसके आगे जाएंगे जानकी महल, जो कि जनकपुर का सबसे फेमस, क्योंकि जो राजा जनक थे उनकी पुत्री सीता माता जानकी जिसे बोलते हैं, और वो जब अपना खेत में हल चला रहे थे तो वहाँ पे एक मटका था, वो कहानी आप सभी को पता है, तभी सीता माता का जन्म हुआ था। तो वही सब घूमना है भाई, दिखाते हैं आपको जनकपुर। तो चलते हैं सबसे पहले राम मंदिर में और फिर जाएंगे हम जानकी महल में। तो चलते हैं भाई, कुछ ऐसा नज़ारा है। तो गाइस अभी आ गए हैं रोड पर और जस्ट हमारे सामने है राम भगवान का मंदिर, ये पीछे गेट है और जो आपको पीछे दिख रहा है लाल बिल्डिंग, वो है भगवान राम का मंदिर। तो सबसे पहले चलते हैं राम भगवान के दर्शन करते हैं और फिर आगे चलेंगे जानकी महल। तो गाइस यहाँ से अब गेट से ही मैंने लिया है फूल और लड्डू और ये पीछे है मंदिर। चलते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं भगवान राम के, क्योंकि अयोध्या में तो जाते रहते हैं, वहाँ तो दर्शन करते रहते हैं, और पहली बार नेपाल में आए तो हम सोचे जनकपुर तो जाना ही है। तो गाइस देख लिया आपने, ये था पूरा राम मंदिर का सीन और दर्शन अच्छे से हो गए, भीड़ भीड़ कुछ नहीं रहता है, बहुत अच्छा। और जब वो टाइम आता है जैसे रामनवमी वगैरह है तो उसमें ज़्यादा भीड़ रहता है, लेकिन इसमें भीड़ नहीं है, काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। तो चलते हैं जानकी महल भी दिखाते हैं आपको। सो गाइस जो ये राम मंदिर था, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है माता जानकी जी का महल, जो कि महल क्या देखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो भाई देखते रहिए। तो अभी ये राम मंदिर का नज़ारा था और मिलते हैं आपको जानकी मंदिर में। और गाइज आपको बता दें, यहाँ पे अच्छी बात ये है कि वहाँ से यहाँ पर काफ़ी फर्क है काठमांडू से जनकपुर में, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने थोड़ा बिहार साइड के हैं तो इसलिए हिंदी ज़्यादा समझते भी हैं, बोलते भी हैं। और आने जाने में यहाँ पे, वहाँ 2 किलोमीटर जाना होगा तो आपको बस से जाना होगा क्योंकि रास्ता ही ऐसा है, लेकिन यहाँ पे ऑटो रिक्शा चलता है तो आप आराम से 10-20 रुपए में घूम सकते हैं। तो आ गए हैं फिलहाल जानकी महल के पास में, दिखाते हैं। और साउंड हो रहा है, शायद आवाज़ ना आए मेरी।
तो भाई आवाज कम आ रहा था इसलिए आवाज अलग से डालना पड़ा था। और उसके बाद में यहाँ पे है जहाँ पे राम जानकी जी का विवाह हुआ था, तो विवाह मंडप है, उसका टिकट 10 रुपए नेपाली लगता है। तो भाई चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको जहाँ पे भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था, विवाह मंडप। ये जो आपको पीछे दिख रहा है यही राम और जानकी का विवाह मंडप है जहाँ पर उनका शादी हुआ था। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं। सो गाइस, देखा आपने, ये वही मंदिर है जहाँ पर, ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ था। और वहाँ पे चारों तरफ सभी लोग बैठे हुए हैं, जैसा आपने रामायण में और टीवी सीरियल में देखा होगा, उनके गुरु जी थे और जानकी जी हैं, राम भगवान हैं और जानकी जी के पिता जनक जी हैं, और सभी जितने लोग थे सभी वहाँ पे चारों तरफ बैठे हुए, वैसे ही दिखाया गया है, वैसे ही सब कुछ है बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा लगा देखने में। बस ये है कि चारों तरफ कांच लगा है, कांच से बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, फ़ोटो खींचना प्रतिबंध है लेकिन खींच सकते हैं। तो भाई ये था पूरा जनकपुर का सीन। और जनकपुर में अब मैं और कहीं नहीं घूमने वाला हूँ क्योंकि कई दिनों से घूम रहा हूँ और काठमांडू भी घूमा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, काठमांडू में बहुत सारी जगह पे हमने घूमा है, पशुपतिनाथ जो फेमस है वो भी हमने घूमा था, और उसके बाद में फिर वहाँ से हम चले आए थे यहाँ पे। और इंडिया से नेपाल कैसे आना है वो भी मैंने वीडियो कंप्लीट बनाया था, दिखाया था। तो अब हम यहाँ से सोच रहे हैं कि अगर मुझे ट्रेन मिल जाए, जो नया ट्रेन चालू हुआ था जनकपुर से जयनगर के लिए, अगर देखते हैं जनकपुर से जयनगर के लिए ट्रेन से जाने को मिलेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उधर जयनगर से अपना लखनऊ कानपुर किस तरह जाते हैं, लोकल ट्रेनों से होके जाना पड़ेगा, वो तो मुझे ही पता है क्योंकि मेरा टिकट पहले से प्लान नहीं था कि कहाँ घूमूं, कब तक रहूं, कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ से जो नया ट्रेन चालू हुआ था जयनगर से जनकपुर के लिए, तो उसका भी इसके बाद में देखेंगे, अगर हो सकेगा ट्रेवल उसमें तो उसका भी वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कैसे उसमें ट्रेवल करना, और काफ़ी अच्छा ट्रेन था। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए हमारे साथ नेपाल।